दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फिटनेस कॉर्नर को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट वीडियो देख सकें सबसे पहले आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फिटनेस कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज फाइनली मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जिसकी बहुत दिनों से इंतजार था और बहुत लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया था कि सर हमें बताइए PRP की कॉस्टिंग क्या है। तो दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, काफी क्लिनिक्स पे पूछताछ की है और फिर जाके मैं ये वीडियो बनाने के डिसीजन पे आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि हाँ मेरी वीडियो को लोगों ने पसंद किया है। तो अब मैं PRP के बारे में आपको बताता हूँ, इसकी कॉस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्योंकि इसमें कुछ क्लिनिक बहुत ही कम चार्ज करते हैं और कुछ रेपुटेड क्लिनिक है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो बेसिकली मैं पहले आपको PRP बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करती है। तो मैंने ये चित्र बनाया है, हल्का सा एक डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले हमारे ब्लड लेते हैं हमारी बॉडी में से, इस तरीके से उसको एक ट्यूब में डालते हैं, ट्यूब में से फिर एक मशीन में डालते हैं। तो उसमें से प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स का एक हिस्सा ऊपर का साइड का जो दिखा रखा है ये अलग हो जाता है और नीचे का रेड सेल्स ये अलग नीचे बैठ जाती है मशीन से। फिर इसको इंजेक्शन में भरते हैं प्लेटलेट्स को और हमारे स्कल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग किस चीज पे डिपेंड करती है और कितनी प्राइस में ये हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे को पता चला है, कईयों ने कमेंट भी किया है कि उन्होंने 800 रुपए में भी PRP करवाई है। तो सबसे न्यूनतम आप मान लीजिए मिनिमम 800 रुपए और हाईएस्ट जो मैंने पता किया है वो है 15,000, 20,000 और इससे भी ऊपर तक भी PRP होती है, 15,000 से 20,000 से ऊपर भी PRP होती है दोस्तों। तो अब आप कैसे पता करें हम कि हमें कौन सी करवानी है PRP? तो अब इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आपको कि आप एक क्लिनिक में जाए वहां पे बात करें, अगर वो आपके 800 रुपए में PRP करने को तैयार हो जाते हैं तो ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप 800 में ही करवा लें, क्योंकि आपको पता नहीं वो कैसी मशीन यूज कर रहा है और कैसी ट्यूब्स यूज कर रहा है, तो उससे हो सकता है आपको फायदा ना मिले। तो सबसे पहले तो PRP करवाने के लिए आपको क्या करना है, क्लिनिक की रेपुटेशन का ध्यान रखना है, उसके बारे में पता करना है आपको कि उसके रिजल्ट कैसे हैं। और दोस्तों, PRP में ट्यूब्स का और मशीन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ट्यूब्स एक 10 रुपए से लेके 2,000 तक की ट्यूब्स भी आती है और ट्यूब्स का बहुत बड़ा योगदान है अपनी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में दोस्तों। और जो मशीन होती है वो भी 5,000 से 10,000 से लेके 1,00,000 तक की मशीनें आती है, तो इनका कुछ ना कुछ तो रोल होता ही है प्लेटलेट्स में, उनको बढ़ाने में, इंक्रीज करने में। अब एक अच्छी मशीन होती है तो प्लेटलेट्स की काउंट्स को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो जो महंगे क्लिनिक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगे क्लिनिक्स हमें ठगते हैं या फिर वो सिर्फ पैसा वसूल करते हैं ज्यादा, और सस्ता और महंगा एक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सस्ते में जाएंगे तो आपको क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी, महंगे में जाएंगे तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक आइडियल जो प्राइस है, जो एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं और जहां पे अच्छा PRP सेशन हो सकता है, वो है 1,500 से 2,000 तक आप इसके चार्ज करवा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप करवाना चाहें, आपकी लिमिट है, तो आप जा सकते हैं और रिपोर्टेड क्लिनिक्स में जा सकते हैं। और रही बात दोस्तों मेरी PRP की, तो मैंने PRP करवाई है 1,500 रुपए पर PRP। ये मेरे को पर ये एक साथ 6 PRP लेने के, तो एक साथ 6 PRP मैं ले रहा हूँ इसलिए मुझे 1,500 रुपए पर PRP पड़ी है। और अगर सिर्फ मैं उससे सिंगल PRP लेता तो मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि आपको 2,500 रुपए चार्ज करना पड़ेगा पर PRP का, अगर आप सिंगल PRP लेना चाहते हैं, एक या दो PRP। अगर आप 6 PRP का एक साथ पे करेंगे, 6 PRP का एक पूरा सेशन लेंगे, तो आपको 1,500 रुपए की एक PRP पड़ जाएगी। इस हिसाब से मुझे PRP हो जाती है 9,000 रुपए की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस में लाता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।